डेयरी संचालक की हत्या में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महापौर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस ने पकड़े हैं 3 आरोपी। पिछले दिनों हुई हत्या को लेकर हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर जमकर हुआ था हंगामा। डेयरी संचालक की हत्या में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महापौर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस ने पकड़े हैं 3 आरोपी। पिछले दिनों हुई हत्या को लेकर हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर जमकर हुआ था विवाद। डेयरी संचालक की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महापौर रीवा अजय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों चौराहटा थाना अंतर्गत हुई हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। उनका साफ तौर से कहना था, हत्या हुई है, पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे, दोषियों को कड़ी कार्रवाई करे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते महापौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। हम आपको बता दें, दूध व्यापारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर महापौर ने सौंपा ज्ञापन। जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर जहां आम जन भयभीत है, वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रशासन पर हमलावार हो गया है। विगत दिवस चौराहटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ में निकेश यादव, उसके भाई अरुणेंद्र यादव के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया था। हमले में निकेश यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिनेश मिश्रा उर्फ गोरेलाल निवासी देवरा चौराहटा, अंकित पांडे तथा ब्रजेश कुमार पांडे को आरोपी बना दिया था। आरोपी बनाए गए युवक के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। आरोपी बनाए गए युवक के परिजनों ने बताया, झूठे मामले में हत्या जैसे गंभीर मामले में फंसाया गया है, जिसकी वह निष्पक्ष CID एवं CBI जांच की मांग करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अजय मिश्रा बाबा ने उक्त मामले में क्या कुछ कहा। उनका साफ तौर से कहना था, पकड़े गए आरोपी निष्पक्ष हैं, बेगुनाह हैं, पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे, सही आरोपियों को जिन्होंने हत्या की है उनको तत्काल गिरफ्तार करे। रीवा में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आइए आपको सुनाते हैं अजय मिश्रा बाबा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पड़रिया के पास, पड़रिया मोड़ के पास अभी 23 तारीख को एक यादव परिवार के 2 लड़कों के ऊपर हमला हुआ था। एक की हत्या हो गई और एक सीरियस घायल हो गए। इसमें उस गांव के 2-3 लोगों को, बेगुनाहों का भी नाम शामिल कर लिया गया, जबकि जो सीरियस है उन्होंने ये बताया था कि 6 लोग थे मारने वाले, इसमें से एक को हम पहचानते हैं। तो हम लोग आज एसपी साहब के पास पूरे गांव के लोग आए थे और ये निवेदन उनसे किया कि भाई आप निष्पक्ष जांच कराइए, हत्या हुई है तो अपराध तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी घर का हो, किसी के घर का एक लड़का चला गया, एक उसके औरत का आदमी चला गया, बेटे का बाप नहीं रह गया, तो जिसने भी हत्या किया है उस अपराधी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, पर बेगुनाह भी न फंसे ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। तो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे और जो जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि बेगुनाहों को न फंसाया जाए। और गांव के सारे लोग आज यहां आए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग थे ही नहीं वहां पर, जिनका नाम है जैसे ये अपना ब्रजेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अंकित पांडे, ये वहां पर थे ही नहीं और ये बड़े गरीब परिवार के लोग हैं, इनको साजिशन फंसा दिया गया। अब ये किसकी साजिश थी ये तो जांच पे ही समझ में आएगा। नहीं, पुलिस का की जो कार्रवाई है अभी वो संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए अभी तक तो हम लोगों ने इंतज़ार किया। TI से बात हुई, TI ने भी ये बोला, कहा कि ये हमको मालूम है कि ये तीनों बेगुनाह हैं, पर किसी जो मुद्दई है उसने FIR करा दिया, FIR में इनका नाम आ गया। तो TI का ये कहना है कि FIR से नाम हम नहीं काट सकते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। तो हमने सोचा कि सक्षम अधिकारी SP होते हैं, उनको एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो ये हत्या हुई है उसमें जो अपराधी उनको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए, जो बेगुनाह हों उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए।